हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षत और लेजेंड वर्कर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मालूम है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इन गर्मियों में हम एसी भी बनाएंगे और फ्रिज भी बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कूलर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप के। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक डीसी मोटर ले ली है। ये मुझको लोकल मार्केट से 30 रुपये की मिली है। ये फ्रेंड्स 6 से 9 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। और अब हम इसको साइड में रख कर एक प्रोपेलर का फ़ैन लेंगे। इसको बहुत लोग फ्रेंड्स पंखा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है और ये आपको लोकल मार्केट से मात्र 3 रुपये में मिल जाएगा। और अब मैं एक फीमेल चार्जिंग पोर्ट लूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है और इसके जो वायर्स थे ये टूट गए थे, तो मैंने इसमें अपने से वायर लगा दिए हैं और ये वर्किंग में हैं। और ये आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर मात्र 3 से 4 रुपये पर मिल जाएगा। और अब हम इसको साइड में रख कर हमें कुछ इस प्रकार के बहुत सारे कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, जो कार्डबोर्ड का मेज़रमेंट है वे मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर 13x18 सेंटीमीटर के 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लिए हैं। फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत तो 4 कार्डबोर्ड के टुकड़ों की होगी, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े ही लेंगे। और अब हम इन कार्डबोर्ड को कुछ इस प्रकार से आपस में लगाकर ग्लू गन की सहायता से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपका दिया है। और अब हमने इसके ऊपर के लिए एक 18x13 सेंटीमीटर का जो कार्डबोर्ड कहा था उसको ले लेंगे और उसके नीचे से हम थोड़े से 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट रख कर उसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से लगेगा और उसके बीच में कंपास की सहायता से एक गोलाकार आकृति बनाकर उसे कट कर देंगे। और अब हम इस टुकड़े को भी ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर रख कर कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और अब हम इसके निचले सिरे पर कुछ इस प्रकार का 13 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लेकर यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से इसको भी चिपका देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको चिपकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और अब हम इस कार्डबोर्ड के बचे हुए हिस्से पर जाकर उसे भी चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये जो सिरा है, यहाँ पर हमने जो 4 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड कट किया था उसे लाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम चिपकाएंगे। और अब हम इस सिरे को साइड में रख कर इस सिरे को ले लेंगे और इस सिरे में थोड़ा सा इस टाइप का कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेंगे, जिसको हम ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसको हम किस लिए लगा रहे हैं इसका भी कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब इसको यहाँ पर जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद जब ये सूख गया है, तो हम इस पर एक इस टाइप के किसी भी ख़राब डिब्बे के ढक्कन को ले लिया है। फ्रेंड्स, ये डिब्बे का ढक्कन आपको आपके घर से कबाड़े के डिब्बों से मिल जाएगा। मैंने भी कबाड़ों के डिब्बों का ही यूज़ किया है। और अब हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। फ्रेंड्स, लगाने के बाद आप इसको देख सकते हैं ये सूख गया है। और सूखने के बाद हम इसको यहाँ पर लगा कर देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम इसमें अपनी आइस क्यूब को डालेंगे और जो हमारा फ़ैन होगा वो जो एयर लाएगा वो आइस क्यूब्स की ठंडी के कारण वो भी ठंडी ठंडी हवा देगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने उसको साइड में रख कर अपनी मोटर को ले लिया है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ब्लैक वायर को मोटर के ब्लैक वाले सिरे पर लगा दिया है और जो ग्रीन वायर है उसको भी मोटर के एक सिरे पर लगा दिया है। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें शोल्डिंग आयरन की सहायता से इसमें आप शोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर शोल्डिंग नहीं की है
और इसको ऐसे ही रखा है और इसके आगे वाले सिरे पर प्रोपेलर का फ़ैन यहाँ पर लगा दिया है। फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पर इस शेप में लगाएंगे। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पर इस शेप में क्यों नहीं लगाया है और इस शेप में क्यों लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो हवा होगी नीचे की तरफ में जाएगी और ठंडी ठंडी होकर बाहर की ओर आएगी। और फ्रेंड्स अब मैंने एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है जो कार्डबोर्ड के साइज का है और उस पर अब हम अपने फ़ैन को चिपका देंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने एक सीज़र से यहाँ पर इस तरह का छोटा सा होल कर लिया है जो दिखने में कुछ इस प्रकार से है। और अब आप देख सकते होंगे मैंने इस प्रकार की थोड़ी सी बम्बू स्टिक्स ले ली हैं और फ्रेंड्स इसको अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हम लगा लेंगे। फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी ग्लू गन की सहायता से ग्लू लगा कर चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और हिल डुल ना पाए। और अब हम इस पर ग्लू लगाने के बाद ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इसके ऊपर जो हमने अपने कार्डबोर्ड को कट किया था और जिसमें मोटर चिपकाई थी उसको लाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखेंगे और ये जो हमारा फीमेल पोल्ट है उसको यहाँ पर इस प्रकार से निकाल कर रख देंगे। और इसको हम यहाँ पर लगा कर ग्लू गन की सहायता से थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे ताकि ये भी यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपक जाए और हिल डुल ना पाए। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने इसके एक सिरे पर ग्लू गन की सहायता से ग्लू लगा लिया है और दूसरे सिरे पर भी ग्लू गन की सहायता से ग्लू लगा लिया है और ये चिपक गया है। और अब हम इसके फीमेल पोल्ट पर थोड़ा सा ग्लू गन की सहायता से ग्लू लगा लेंगे ताकि ये भी अच्छे से फिक्स हो जाए और ये हिल डुल ना पाए। और फ्रेंड्स अब हम इतना करने के बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लग चुका है और लगने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और टेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक 5 वोल्ट का डीसी अडॉप्टर और उसके साथ यूएसबी केबल ले ली है। फ्रेंड्स मैंने अडॉप्टर को सॉकेट में लगा कर सॉकेट का प्लग ऑन कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो पोर्ट है वहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है वे वर्किंग में आ गया है और इसकी जो हवा है वे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है और ये फ़ैन बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स जब हम इसके सॉकेट को बाहर निकालेंगे तो हमारा फ़ैन जो है वे वर्क नहीं करेगा और जब वापस से लगाएंगे तो हमारा फ़ैन जो है वे वर्क करने लगेगा। फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर के सिरे पर भी 13 सेंटीमीटर का एक बोल्ट लाकर चिपका देंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने चिपकाने के लिए ग्लू गन की सहायता ली है और ग्लू गन की सहायता से हमने इसको यहाँ पर चिपका लिया है। फ्रेंड्स ये देखने में अभी थोड़ा सा कम लुक दे रहा है, इस पर अभी हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने फिनिशिंग करने के लिए पेपर टेप लिया है। फ्रेंड्स इसको मेडिकल टेप भी कहते हैं। अब हम इसी की सहायता से इसकी चारों तरफ टेप लगा लेंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं टेप को लगाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और अब देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स हमने जो इसके निचले वाले सिरे को बनाकर इसके अंदर लगा दिया है उसको अब हम कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसको निकालने के बाद इसमें आइस क्यूब लाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख दूँगा और रखने के बाद इसका जो सिरा है उसको हम अंदर की तरफ को रख कर अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अब इसको रखने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स मैं इसको फिर से यहाँ पर केबल को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से और ये जो हमारा फ़ैन है वे वर्किंग में आ गया है। और अब मैंने इस प्रकार का न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने दो शेप में करके काट लिया है और इस पर आप देख सकते हैं इसकी हवा जो है कुछ इस प्रकार से वर्क कर रही है और फ्रेंड्स बहुत ही तेज़ी से इसकी हवा जो है वे वर्क कर रही है। और आप देख सकते हैं मैं इसको हाथ में भी लगा कर रख रहा हूँ तो इस पर ठंडी ठंडी हवा जो है वे बाहर की तरफ को आ रही है। और फ्रेंड्स अब हम इसकी केबल को बाहर की ओर को निकाल लेंगे और अब ये
और इसका निचला वाला सिरा जो है उसको भी हम कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारी जो आइस क्यूब है वह इसमें पिघलनी चालू हो गई हैं, और वे जब पूरी तरीके से पिघल जाएंगी तो आप इसमें आइस क्यूब को बदल कर फिर से इसमें लगा सकते हैं। हमारे स्कूलर की वीडियो कैसी लगी इसका ओपिनियन आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।